स्वामी जी हमने कुल धर्म की बात कही, सांप्रदायिक धर्मों की बात कही, भगवान महावीर के समय से 360-365 तरह के कुल धर्म सांप्रदायिक धर्म आज दुनिया में चल रहे हैं। हर एक अपना अपना, जैसा आपने कहा कि वो फॉर्मेट पर आधारित होती है और 9 आपने उसकी श्रेणियां बताई है। तो हम अभी ये एपिसोड जो है वो तुलनात्मक धर्म दर्शन को तुलनात्मक दृष्टि से अध्यात्म विज्ञान से जोड़ करके जो है करना चाहेंगे। तो सबसे पहले जो है मैं जो है वो वेदांत दर्शन को लेता हूँ। वेदांत दर्शन है द्वैत अद्वैत विशिष्टाद्वैत इत्यादि बहुत से भागों में बटा हुआ है, लेकिन मूल रूप से उनका जो कॉन्सेप्ट है कि जहाँ 1 से 2 होते हैं वहाँ द्वैत होते हैं, वो असंख्य तक भी पहुंच सकते हैं और वहाँ द्वंद है, और द्वंद्वातीत अवस्था है वह अद्वैत की अवस्था है, वो आत्मा की अवस्था है, वो ब्रह्म की अवस्था है। तो कृपया मैं आपसे ये निवेदन करता हूँ कि वेदांत के अंदर द्वैत अद्वैत को जो है अध्यात्म विज्ञान से जो है आप जोड़ करके कुदरत कुदरती रचना कुदरत के कानून से जोड़ करके और इनका तुलनात्मक दृष्टि से जो है आप बताइए कि वेदांती मेरे जैसा अगर वेदांत में विश्वास करने वाला हो तो क्या मैं अध्यात्म विज्ञान को जो है अगर पालन करूं तो किसी तरह का कॉन्ट्राडिक्शन तो नहीं है? क्या दोनों एक साथ के अंदर जो है समाहित होकर के जिए जा सकते हैं? कृपया इस दृष्टि से प्रकाश डालिए। प्रश्न के लिए धन्यवाद। सबसे बड़ी बात क्या है कि भारतवर्ष में ये जो वेदांत का जो मार्ग है फैला हुआ है, हजारों लाखों करोड़ लोग वेदांत को मानते हैं, खास करके ब्राह्मण लोग, और 4 वेदांत 4 प्रकार की कैटेगरी के 1, 2, 3, 4 प्रकार के वेदांत बताए गए हैं किताब के रूप में। और वेदांत के अंदर मूलतः द्वैत अद्वैत और द्वैताद्वैत से पर ये एक अवस्था बताई गई है। तो आत्मा द्वैत है और प्रकृति अद्वैत है, और जब आत्मा शरीर के अंदर ही प्रकट होता है तो द्वैताद्वैत 2 है, और शरीर से परमेटली मुक्त हो गए तो वो द्वैत है। तो कहने का मतलब ये है कि द्वैत का मतलब होता है शाश्वत और अद्वैत का मतलब होता है टेम्पररी। जहां तक आत्मा शरीर में है वहां तक द्वैत अद्वैत दोनों है, यानी रिलेटिव सत्य भी है अवस्था रूप में और सनातन सत्य के रूप में आत्मा भी है, और दोनों एक दूसरे के पूरक है जहां तक शरीर में है, क्योंकि कोई भी शरीर की अवस्था आत्मा के बिना संभव नहीं। तो जो कर्मों की भुगतान जिसको बोलते हैं जन्म से मौत तक की अवस्था, वो भुगतान आत्मा की हाजिरी के बिना संभव नहीं। इसीलिए जहां तक शरीर और आत्मा 2 है वहां तक इनको द्वैताद्वैत कहते हैं। केवल शरीर को अद्वैत कहते हैं, केवल आत्मा को द्वैत कहते हैं। और जो द्वैताद्वैत और विशिष्टाद्वैत, विशिष्टाद्वैत का मतलब होता है कोई विशेष प्रकार का ऐसा नहीं, मगर जो आत्मा प्रकृति से
मुक्त हो गया, परमानेंट, वो विशिष्ट हो गया, यानी स्पेशल, अभी उनको बॉडी की भी जरूरत नहीं है। तो कॉज इफेक्ट दोनों बंद हो गए, तो जन्म मरण भी बंद हो गया। तो आध्यात्म विज्ञान यही कहता है कि आत्मा भी है और कुदरत भी है, और कुदरत है तो तत्व भी है, कानून भी है और अवस्था भी है, और आत्मा में न कोई कानून है न कोई अवस्था है, दोनों है। तो आत्मा वो द्वैत है, प्रकृति है वो अद्वैत है, और जहां तक हमने द्वैत अद्वैत को सिद्धांत के रूप में नहीं जाना है वहां तक जन्म मरण के चक्कर है, क्योंकि अगर हमको आत्मा की द्वैत की अनुभूति करनी है तो अद्वैत क्या है वो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, अद्वैत का स्टेटस क्या है, अद्वैत की क्वालिटी क्या है, अद्वैत का लाइफ क्या है, अवस्था के रूप में, और इसको बनाने चलाने और अंत करने वाला कौन है कुदरत के रूप में, ये सब नहीं जानेंगे तो द्वैत अद्वैत अलग नहीं होंगे, साथ में ही रहेंगे और कर्म के माध्यम से जन्म मरण के चक्कर चालू रहेंगे। अगर हमको जन्म मरण के चक्कर समाप्त करना है तो द्वैत और अद्वैत को सनातन सिद्धांत के रूप में समझना पड़ेगा, तब द्वैता द्वैत से पर अवस्था केवल आत्मा की अनुभूति है वो कर सकते हैं। तो इसीलिए ये कोई वेदांत और आध्यात्म में कोई डिफरेंस नहीं है, खाली प्रेजेंटेशन का डिफरेंस है, समझने की रीत कहो, दृष्टि से फॉलो करने की रीत कहो, वो शायद शब्दों के माध्यम से अलग हो सकती है, सिद्धांत के रूप में अलग नहीं हो सकती है, क्योंकि द्वैत अद्वैत ही तो आध्यात्म के अंदर चेतन और जड़ की अवस्था है, एक तरफ चेतन है और दूसरी तरफ जड़ की अवस्था है, शरीर की अवस्था है, प्रकृति की अवस्था है जो कुदरती रचना है। तो ये दोनों को सिद्धांत के रूप में समझना यही तो आध्यात्म है, आध्यात्म कोई संप्रदाय नहीं है, वैसे वेदांत भी कोई संप्रदाय नहीं है, मगर वेदांत को व्यक्ति के रूप में जोड़ दिया, गुरु के रूप में जोड़ दिया, क्रिया के रूप में जोड़ दिया, रिचुअल्स के रूप में जोड़ दिया, तो अपने आप संप्रदाय बन गए। इसीलिए वेदांत और आध्यात्म विज्ञान में फंडामेंटल कोई अंतर नहीं है, मगर समझने का तरीका जो है वो जिस लेवल पे वो पहुंचे हैं इतना इसको समझ में आएगा, रिलेटिव सत्य का लेवल, सनातन सत्य का लेवल नहीं होता है, वो अंतिम सत्य होता है, सिर्फ अनुभव करने का होता है, मगर जो समझने का जो लेवल है उसी लेवल तक हम समझ पाएंगे, उसके आगे हम समझ नहीं पाएंगे जहां तक उस लेवल पे पहुंचेंगे नहीं। तो आध्यात्म विज्ञान ये सनातन सत्य को समझने में सहायक बनता है, ये नहीं कहता है कि ये जो द्वैत अद्वैत की जो वेदांत की बातें हैं वो गलत है, ये नहीं कहता है, आप इसको साइंटिफिक समझने की कोशिश करो, सब एक ही है, अलग नहीं है। तो इसीलिए
फंडामेंटली कोई वेदांत और आध्यात्म विज्ञान में कोई अंतर नहीं है, मगर अभी जो मान्यता वाला वेदांत है, रिचुअल्स वाला वेदांत है, सांप्रदायिक फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं, फॉर्मेट के फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं, वो वेदांत वो लौकिक है, वो चारों गति में घूमने के लिए है, और आध्यात्मिक वेदांत वो जन्म मरण से मुक्ति पाने के लिए, तो उस लेवल पे दोनों एक ही है। स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बताया कि जो ये वेदांत है वो अध्यात्म विज्ञान का सनातन सत्य जो आपका कार्यक्रम है उसका पूरक है, और अध्यात्म विज्ञान सनातन सत्य कुदरत कुदरती रचना कुदरत का कानून अल्टीमेट है, उसमें सभी समा जाते हैं, उसका किसी से कोई तरह का कॉन्फ्लिक्ट कहिए, विरोध कहिए, किंतु परंतु कहिए, राग द्वेष कहिए, वो नहीं है, यानी सबको स्वीकारता है, क्योंकि सनातन सत्य जो है अनेकांतवाद पर आधारित है। बहुत सुंदर व्याख्या स्वामी जी आपने की।